क्या आप पैसे को लेके बहुत परेशान रहते हैं? यानी कि आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं, ऐसे कोई डेट्स हैं, या आपका मनी फ्लो रुक रहा है, या आपकी अर्निंग्स जो हैं आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं पर मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु कोहली और आज मैं आपसे बात करूंगी पैसे को लेके, जो कि किसको पसंद नहीं है इस दुनिया में, यानी कि माँ लक्ष्मी। यस, है ना, पैसे का दूसरा नाम है माँ लक्ष्मी। सो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होना हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से जो है लाइफ में वो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगते हैं, मनी को लेके मनी इश्यूज होने लगते हैं लाइफ में, राइट? तो क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करूंगी और इसको आप कैसे रिजॉल्व, मतलब कि नॉट रिजॉल्व, सॉरी, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन सारे मनी इश्यूज को अपनी लाइफ में, और क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख के अपने माइंड में, और क्या वो एक्शंस हैं कि जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में मनी को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपना मनी फ्लो स्मूथ रख सकते हैं, है ना? तो नंबर 1, सबसे पहले मैं कहूंगी कि देखिए कि आपके घर में साफ सफाई कितनी है। जी हाँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। आपका जो मेन डोर है वो कितना खूबसूरत है, उसको थोड़ा सा उसको डेकोरेट करके रखिए बाहर। जैसे कहते हैं ना कि तोरण, तोरण एक बहुत ही जैसे मैं बोलूंगी कि एक शुभ साइन जिसे बोलना चाहिए, तो उसको रिप्रेजेंट करता है तोरण। तोरण एक अच्छी सी, ऐसा ना हो कि आपके डोर पे तोरण लगी है और वो पिछली दिवाली से लगी है और अभी तक दिवाली पे जो है आपने उसको उतारा नहीं है, या 5-6 महीने हो गए हैं, या उसकी सफाई नहीं हुई है, राइट? तो माँ लक्ष्मी जो है वो एक साफ सुथरे घर में एंटर होना पसंद करती हैं। उनको अच्छा लगता है जहाँ पे कि बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, जहाँ पे कि पूरी फैमिली जो है हंस खेल के बात करती है एक दूसरे के साथ। मतलब एक होता है ना एक हैप्पी एनवायरनमेंट, तो माँ लक्ष्मी या कोई भी गॉड एंड गॉडेसेस उस घर में रहना पसंद करते हैं, राइट? तो बिल्कुल आप ये ज़रूर से करिए, चेक करिए अपने घर में कि आपके घर में साफ़ सफाई कितनी है। घर के 4 कॉर्नर्स हैं, घर के 4 कॉर्नर्स आपके साफ़ होने चाहिए। गंदगी, क्योंकि जो है सारी के सारी हमारे कहते हैं ना नेगेटिविटी, वो कलेक्ट होती है 4 कॉर्नर्स में, ब्रह्म स्थान में, जो सेंटर ऑफ योर होम, राइट? सो उसको साफ रखिए, है ना? और उसको हो सके तो, जितना हो सके तो उसको खाली रखिए। सेंटर ऑफ योर होम की बात कर रही हूँ, वहाँ पे उसको बिल्कुल खाली रहना चाहिए। और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो है आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं? देखिए, माँ लक्ष्मी जो है खुश होती हैं एक लोटस फ्लावर से। हो सके तो एवरी फ्राइडे लोटस फ्लावर जो है उनको अर्पित करिए, उनको अर्पण करिए, है ना? फिर उनको खीर बहुत पसंद है, राइट? चावल की खीर बहुत पसंद है, तो हो सके तो उनको चावल की खीर एवरी फ्राइडे उनको जो है चढ़ाइए। ये मत सोचिए कि जो है अरे मैं कर तो रही हूँ, कुछ तो नहीं हो रहा है। नहीं, माँ लक्ष्मी या कोई भी भगवान हमें पहले टेस्ट करते हैं, आर वी रियली वर्दी? क्या हम उस लायक हैं कि अगर मैं इसे इतना, मैं धन इतना, मैं उसको वेल्थ मैं देता हूँ या मैं देती हूँ, तो क्या वो उसके लायक है? क्या वो उसको संभाल पाएगी या संभाल पाएगा, है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं अपनी हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से जो है अगर हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इग्नोर करते चले गए, घर की साफ सफाई नहीं करी, मेन डोर को क्लीन नहीं रखा, राइट, तो माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती हैं इन सब चीज़ों से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, करके ज़रूर देखिए, राइट? श्रीम का मंत्र है माँ लक्ष्मी का, ब्यूटिफुल, जस्ट एक सिंपल सा ही तो है श्रीम, है ना? श्रीम मंत्र है, उसकी चैंटिंग करिए, हो सके तो फ्राइडे वाले दिन चैंटिंग करिए, देखिए कैसे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगेंगे, आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे वो करने हैं, है ना? सो आप धीरे धीरे देखिए आप किस तरह से जो है ऐसे आइडियाज आने लग जाएंगे आपको, कि जिसकी हेल्प से आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं।
बट ये सब चीज़ें जो हैं कंसिस्टेंटली आपको करते रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। ऐसा नहीं करिएगा कि हाँ ठीक है मैंने एक महीना करा अच्छा कुछ तो नहीं हुआ, अच्छा 2 महीने करा अच्छा कुछ तो नहीं हुआ। करते रहिए, भगवान हमें देख रहे होते हैं, हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहे होते हैं, राइट? सो ये कुछ चीज़ें हैं, करके ज़रूर देखिए। और मैं कहूँगी कि माँ लक्ष्मी से रिलेटेड मैं कहती हूँ, देखिए फ्राइडे वाले दिन वाइट पहनिए, राइट? वाइट कपड़ा पहनिए, परफ्यूम यूज़ करिए, अच्छे से अच्छा परफ्यूम यूज़ करिए हो सके तो, है ना। इत्र लगाइए, यहाँ पे जो इत्र लगाते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये एरियाज, राइट, और ये पल्स पे अपना यहाँ लगाइए, यहाँ पे लगाइए, है ना। तो ये सब करते रहिए, इन सब चीज़ों से माँ लक्ष्मी खुश होती है, आपके घर में आती हैं, है ना। और पिंक के सॉरी पिंक बोल रही हूँ मैं, आई मीन वाइट के साथ आप पिंक भी पहन सकते हैं, है ना, तो पिंक भी बहुत उन्हें पसंद है। सो वीनस प्लैनेट आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, राइट? सो ये सब चीज़ें करके ज़रूर देखिएगा। बहुत आप देखिएगा आपकी लाइफ में धीरे धीरे पैसे को लेके ना बहुत सारे चेंजेस, मैं कहती हूँ छोटे छोटे चेंजेस भी, उसको आप नोटिस करिए, छोटे छोटे चेंजेस भी आपकी लाइफ में होने स्टार्ट हो जाएंगे। मनी रिलेटेड इश्यूज, डेट आपके क्लियर होने लग जाएंगे, राइट? एंड मोर ओवर अपने घर में विष्णु सहस्र नाम का जो है वो जाप आप चला के रखें। और क्या कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी जैसे फ्राइडे का दिन रहता है ना, सो उस दिन जो है माँ लक्ष्मी की आरती ज़रूर से करिएगा एवरी डे। उनके आगे एक अलग से घी का दीपक आप जलाइए, है ना। और क्या कर सकते हैं, और मैं कहूँगी कि मुझसे आप जुड़िए, मनी रेकी सीखिए, देखिए क्या क्या वो बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज मनी रेकी इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्लियर ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लाइफ, यू नो, रिलेटेड टू मनी, डेफिनेटली, ठीक है। बिकॉज मेरे को अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करे कि मैम एक तो हीलर ही हैं, अपने आप में खुद ही हीलर हैं, जिन्होंने मुझसे मनी रेकी किया, और हालांकि वो पहले कई और से भी मनी रेकी कर चुकी थी, बट शी सेड कि नहीं मैम मुझे आपसे करना था। तो मैंने कहा चलो आपने मुझसे सीखा, बट आपको क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आप मुझसे शेयर ज़रूर करना, है ना। सो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, आफ्टर अ मंथ शी टोल्ड मी दैट आप मानेंगे नहीं, मनी रेकी मैंने बहुत जगह से, मतलब रेकी उन्होंने काफ़ी जगह से सीखा है, और उनको मैं एक बार यहाँ पे लाइव पे भी लेकर आऊँगी, आप खुद उनके मुँह से आप सुनिएगा, राइट? सो उन्होंने शेयर किया कि मैम आप मानेगी नहीं, बिकॉज सिंस यू नो दैट आई एम अ हीलर, और मेरे पास एक सेलिब्रिटी का केस आया है। आई सेड वाओ, तो देखिए किस तरह से, कहती नहीं डेफिनेटली जो है आपसे मैंने अबंडेंस कार्ड लिया है, तो डेफिनेटली उस अबंडेंस कार्ड की वजह से आप कह लीजिए, या आपसे मैंने जो मनी रेकी सीखा है उसकी वजह से आप कह लीजिए कि मेरे मनी रिलेटेड जो है ब्लॉकेजेस वो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ वो रिमूव होते चले जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दोज सिम्बल्स, बिकॉज इसमें मनी रेकी में हम कुछ ऐसे मनी से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस जो हमारी लाइफ में क्रिएट होते हैं तो वो रिमूव करने के लिए मैं कुछ सिंबल्स वगैरह हम लोग देते हैं मनी रेकी में, राइट? सो शी शेयर्ड विद मी दिस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। फिर एक मेरी स्टूडेंट है, अगेन शी इज़ इनटू दिस ऑकल्ट फील्ड ओनली, एंड शी वॉज शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद मी। उन्होंने मुझे शेयर किया कि मैम आप मानेंगी कि उन्हें कहीं ट्रैवल करना था, और कहते हैं कि मैंने वो ट्रैवल जब मुझे करना था और उसके लिए जब मैं बुकिंग वगैरह कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ अरे यार मैं बिज़नेस क्लास में मैं ट्रैवल करूँगी। तो उन्होंने अपनी खुद से बिज़नेस क्लास की जो है एयर फेयर उन्होंने वो बुक किया, और कहते हैं कि मैंने आना जाना रहना सब कुछ खुद से किया, एंड दिस टाइम फर्स्ट टाइम एवर इन बिजनेस क्लास इन एयरक्राफ्ट, जस्ट इमेजिन, कहती एंड इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई कॉन्ट टेल यू, आई सेड वाओ। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना कि जब मेरे स्टूडेंट्स आके मेरे साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मुझे लगता है येस आई डिड समथिंग फॉर माई स्टूडेंट्स, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन के अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, चाहे उनके साथ आज नहीं हुए हों बट डेफिनेटली उनके साथ कल परसों आने वाले टाइम में ज़रूर होते हैं, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड विद मी। मतलब हर कोई मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट वांट टू लीव मी एंड नाइदर आई वांट टू लीव देम।
सो अगर तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मनी रिलेटेड अपने ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में, देन डू जॉइन माय कमिंग अप यू नो दिस मनी रेकी कोर्स जो मेरा स्टार्ट हो रहा है 7th of October. 7th अक्टूबर से ये 6 दिन की मेरी क्लासेस रहेंगी. ओनली वीकडे क्लासेस रहती हैं, नो वीकेंड क्लासेस. वीकेंड पे मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ, जो माँ लक्ष्मी को पसंद है. है ना. सो आप ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9989724703. ठीक है. सो डेफिनेटली यहाँ पे आप जब ज्वाइन करेंगे आपकी मनी एनर्जीज, देखिए मनी से रिलेटेड हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे, क्या वो ऐसे मंत्र हैं, क्या वो ऐसे रिचुअल्स हैं, क्या वो सिंबल्स हैं, राइट. वो सिंबल्स की हेल्प से आप किस तरह से आप यू नो मनी को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप एक मनी मैग्नेट बन सकते हैं, है ना. बिकॉज हमारी एक अफर्मेशन है, सबने ही सुनी होगी, दैट आई एम अ मनी मैग्नेट. सो कैसे आप वो मनी मैग्नेट बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज सिंबल्स. सो अगर जैसे कि मैंने बोला आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देन डू लेट मी नो. क्लासेस मेरी 7th अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं एट 9 PM. मेरी रात की क्लासेस रहती हैं बिकॉज इस टाइम पे मुझे लगता है जितनी भी वर्किंग लेडीज होती हैं सो उनको थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लम आता है दिन के क्लासेस को ज्वाइन करने में. बट जो मेरा मनी रेकी का जो मेरा यू नो लास्ट मेरा बैच था, मैंने वो आफ्टरनून में भी लिया था और मैंने रात में भी लिया था. तो बट इस बारी मैं रात में ही लूँगी 9 o'clock पे. तो अगर आप करना चाहते हैं देन व्हाट्सएप मी राइट ऑन दिस गिवन नंबर. सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने मनी ब्लॉकेजेस को आप रिमूव कर सकते हैं, जो कि आप इस लाइफ टाइम में नहीं, जो आप अपने पता नहीं कितने लाइफ टाइम से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में भी. और भगवान ना करे कि आपने अगर वो ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं किए इस लाइफ टाइम में, आप वही ब्लॉकेजेस आप अगले लाइफ टाइम में आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो मैं नहीं चाहूंगी. मैं चाहूंगी कि वो सारे ब्लॉकेजेस को यहीं पर ही रिमूव करके यहीं पर ही छोड़ के जाएंगे, सो दैट अगर आप दोबारा से इस धरती पर आ रहे हैं तो एक अच्छी हाई एनर्जी मनी एनर्जी के साथ आप आए, राइट. सो आप ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप बर्थ लें तो किसी रॉयल फैमिली में आप बर्थ लें, या यू नो बर्थ लें तो एक सिल्वर स्पून के साथ आप बर्थ लीजिए, है ना. सो लाइक आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई फैमिली. सो यही मैं सिखाने आई हूँ, यही मेरा लाइफ पर्पस है, दैट हाउ टू रेज योर एनर्जी, हाउ टू रेज योर फ्रिक्वेंसी एंड हाउ टू वाइब्रेट एट यू नो दोज हायर फ्रिक्वेंसीज. सो इस वीडियो में इतना ही. और जाने से पहले लिख के जाएं यहाँ पे आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है. एंड होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट बैच ऑन 7th October. करके जरूर देखिए, मजा आ जाएगा मनी रेकी करके मेरे साथ, ठीक है. सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल विद ऑल द अबंडेंस वेल्थ प्रॉस्पेरिटी मनी इनटू योर लाइफ.